मुखिया काम काज के, दाना हिसाब मुखिया काम काज के, देखा फिर से समैया आगल नयका चुनाव के, देखा फिर से समैया आगल नयका चुनाव के। नमस्कार, भाभी जी मैदान में है। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुते बहुते स्वागत है। तो हम पहुंच गए हैं कहाँ जी, किस प्रखंड में पहुंचे हैं बताइए तो जल्दी से। प्रखंड पटेरी बेलसर। और पंचायत कौन सा है? जारंग रामपुर। तो समझे हम पहुंच गए हैं जारंग रामपुर पंचायत में। अच्छा, अभी यहाँ पहुंच गए तो पहला ही बोल दिया कि आज हिसाब लेने पहुंचे मुखिया जी से, जो क्या क्या किया है 5 साल में, समझे कि नहीं। जनता को उल्लू बनाए हैं कि काम वाम किए हैं। तो चलिए यहाँ के जनता से बात करते हैं कि कितना खुश है कितना ना खुश है। आइए हमारे साथ। हम पहुंच गए हैं जारंग पंचायत में, समझे कि नहीं। यही रामपुर गांव है। तब पहुंचते ही हमको दिख रहा है यहाँ कुआं है, नहीं आई है। कुआं सब अब एकदम गिनल चुनल गांव सब बचा हुआ है। और देखिए कुआं की स्थिति अच्छी नहीं है, तनी मनी चूना सीमेंट कर दिया गया है खुश करने के लिए। देखिए स्थिति इतनी खराब है। तब सोचिए गाँव का इतना पुराना कुआं है, उसकी स्थिति इतनी खराब है, तो गाँव का हाल क्या होगा। तो गांव का हाल जानने के लिए गांव में ना जाना होगा जी। तो चलिए चलते है मैडम। क्या इसी में से काम चलाते हैं हम पानी के? आप ही का कुआं है? हाँ, मेरा कुआं है। तो इतना गंदा क्यों है? पानी कैसे गंदा है? तो नहीं है मेरे पास पैसा, कोई आदमी नहीं है, कहाँ से करेंगे हम। अरे तो यहाँ आई ना, डरती कहाँ है, हम उधर थोड़ी जाएंगे बतियाने। तो मुखिया जी से नहीं कम्प्लेन किए हैं? तो साफ उफ नहीं करवाते हैं? नहीं। ये कौन किया है, इसका प्लास्टर व्लास्टर कौन करवाया है? अब इसका पहले मुखिया थे वे करवाए थे। अच्छा, पहले इससे पहले जो मुखिया हाँ। थे आपके मुखिया, अभी जो वर्तमान मुखिया उनका नाम क्या है? भूषण सिंह। इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या क्या काम किए हैं गांव? हमारे तो कोई ना काम किया है। आपके लिए किए कि नहीं? गांव के लिए क्या क्या काम किए? हम ये कुछ ना किए हैं। कुछ नहीं, रोड तो ठीक ठाक लग रहा है। ये ठीक है पूरा? कहाँ ठीक है, ठीक का है पूरा? ये पूरा ठीक नहीं है। ये कौन बनवाया है? प्रधानमंत्री योजना से बना होगा, लेकिन मुखिया के पहल में बना होगा ना जी। देखिए हमारे कुआं खराब, उतना देखबे की आपका कुआं एकदम खराब है। तक कितना आप कुएं के बारे में कहे? हाँ, तो और बताइए क्या दिक्कत है? घर हमारे पास नहीं, घर न है, शौचालय उचालय नहीं मिला है? नहीं। काहे नहीं मिला? मुखिया जी से कम्प्लेन किए? आप लोगों को पता है सरकार की 7 निश्चय योजना है, इसमें एकदम मिलना जरूरी है जो निर्धन लोग हैं उनको। हमसे निर्धन कोई नहीं होगा। आप कभी गए मुखिया जी के यहाँ? गए। क्या बोली मुखिया है? मुखिया जी क्या बोली? हो जाएंगे। अभी तक हुआ नहीं। तो क्या उम्मीद है फिर से दूसरी बार मुखिया बनेंगे? कहेंगे, अब देखिए दूसरी बार बनेंगे, अब देखिए। चलिए देखते हैं। ये बोल रहे हैं देखिए बुआ, फोटो बाद में खींचना, पहले इधर आइए। हाँ मैडम, नाम बताइए। इधर आइए, इधर नाम बताइए। सुलेखा देवी। सुलेखा देवी, बाप रे, इसी गांव में घर है? हाँ, कौन गांव है? इस नाम क्या है इस गांव का? जारंग रामपुर। जारंग रामपुर। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, था ये जरूरी है अभी भी पहनना। आप लोगों को नहीं पता है अभी कोरोना गया नहीं है, समझे कि नहीं। तो हम जैसे पहनते हैं आप लोग भी पहना कीजिए, ठीक। हाँ अच्छा, मुखिया जी का नाम बताइए। मुखिया जी? हाँ, भूषण मुखिया। भूषण मुखिया। मुखिया जी कुछ काम वाम नहीं किए हैं? नहीं। गली बनवाए कि नहीं? देखिए तो रोड बना हुआ लग रहा है ना। है गली उली बना ना? उन्होंने कहा कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। घर और कुछ नहीं मिला है ना? है सच्चो? सच्चो ना। चाची तू है कह दो का बुझा हो मुखिया जी निमन उमन काम कलथिन? निमन काम कलथिन तो माने की जे देखो। हाँ बोले के जैसन मुंह हमारा देख। हाँ एकदम इसलिए काम करे एकदम। हाँ 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 दादा एने मुँह करू एने एने तब ना फोटो आए इतनी मन। अच्छा अहाँ फिर आवे हतन मुखिया जी? कहियो एने नल थी ना? एने कारी नल थी ना? ओने कारी आल रहती? ओ बगला आल रहती एने नल थी। तक का बुझाया घर और दिले हतन मुखिया जी?
फोटो नहीं जा देखिए दादी फोटो खिंचाने लगे मत दादी बोलना भी है कि घर का मिला है घर देखो गुमटी बना दिया गुमटी में इतना परिवार लेके हम कैसे रहेगा गुमटी बना दिया है पहले का राज में ना इन्हें ना हमारा घर बनवा दू हमारा अच्छा तो वह बात ना मतलब 5 साल से पहले उतना उम्र हो गई घर मांग के रह गई रह खाला मंगाई जाय छी पहिले हमरा से हां हां आ वहां कहां जाय छी खेत अभी तक खेत में जाय पड़ी है कि घर में है घर में कहां है अभीओ खेत देखिए इधरो गंदा होता है खेत हे भगवान हे भगवान तो मुखिया जी क्या बोलते हैं शौचालय उचालय के बारे में कहते हैं जे देगा लेकिन अब क्या कहिया देगा 5 साल हो गया अब कहिया देगा तब पिताई नहीं छी यहां सब हमको काया में ताकत भी नहीं है आप लोग से लड़ने के लिए हम हे बूढ़ी माता हम लड़ने के लिए थोड़ी आए हम तो आपके दुख समझने के लिए ना ताकि सुने ही नेता जी सब और मुखिया जी सब और दुनिया के लोग जाने समझेगा तो हम खुश जरूर होगा हाँ खुश हो जाएगा आप लोग खुश कर दीजिए खुश हो आप लोग भी आनंद रहेगा हाँ एकदम रहेगा एकदम आनंद ठीक है तो हम कह देगा माने हम कह देते हैं कि देखिए मुखिया जी आप कुछ काम नहीं किए हैं तो ये आनंद होने का आशीर्वाद कैसे मिलेगा आपको तो मुझे श्राप भी मिल जाएगा नहीं लग रहा है ना ठीक है दादी चलिए नाम बताइए अपना अनिला देवी अनिला देवी अच्छा इसी गांव में घर है ये सामने घर है तो आपका तो बढ़िया गांव है आप लोग शांत रहिएगा आप शांत रहिए ना जिसको पूछना होगा हम पूछ लेंगे आपसे ही पूछेंगे क्यों परेशान हो रहे हैं आप अच्छा ये घर आप ही का है हाँ। अच्छा मुखिया जी दिए हैं लगता है मुखिया जी नहीं दिए सचो ना हाँ कुछ ना शौचालय उचालय कुछ ना हमरा मिलल है ओ तो अच्छा घर है तो कहे से ही आपको सरकारी घर कुछ ना है तो मिले छी ना तो गरीब रहते तब ना अपने तो गरीब ना बुझाई छी हम अमीर रहते हम तो अपनो विकलांग हते हमर व्यक्ति भी विकलांग है ओहो तब तो दिक्कत है तब दिक्कत है व्यक्ति विकलांग है हम विकलांग हते व्यक्ति बर्फ बेचैत रखब ओहो छोड़ लो विकलांग तो हम ओहो तब तो बहुत दिक्कत है तब मुखिया जी जाने था तनी बात तो जाने छन ना तो कथि करे छन कोनो अलग के मुखिया जी हते कान में तेल धके सुतल छत ना सुतल हथिन कि बैठल हथिन सोहे ना जनता कहियो ना आवे हथिन आवल हथिन तो अपना काम से आवल हथिन ऐसे ना आवल हथिन वे काम हन तो वे टांग गेलथिन हवे ओहो माने देखिए वोट दीजिए तो बस इतना भर किया बेर सोचले हती अपने सब ना देबे ना ना देबे देख लीजिए ऐसे ही जब काम नहीं कीजिएगा तब ना मिलेगा वोट नहीं देंगे नाम बताइए मैडम अपन इधर इधर आइए नाम बताइए मैं रीता देवी सरपंच हूं बाप रे देखिए इतना चोर के अपन भाई की 2006 से लगातार हूं हां बाप रे बाप किए हैं तो मेरा काम में क्या करना है न्यायपालिका है न्यायपालिका में क्या आती है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है हाँ। हम अभी तक ला जो भी काम हुआ है एकदम अच्छा से बहुत अच्छा से हर महिला को बात को समस्या को सुने हाँ। समझे देखे रेखे वो तो ठीक है हाँ। आपके हाथ में कोई पावर नहीं है खाली सरपंच नाम के लिए पावर तो है कोई अपन गलती उल्टी किया तो उसको मारपीट किया तो थाना पर गया उसको बुला कर लेके समझा बुझा कर खाली सजा ही दिलवाना पंचायती करना बस उससे अधिक मेरा मुखिया जी के जो हाथ में ही रोड नाली गाली गली सब मुखिया जी को विरोध करेंगे तो मुखिया से झगड़ा हो जाता है एक बार नहीं दो दो को मुखिया हुए दोनों हम मेरे रिजी में 10 साल और थे अभी 5 साल और है तो 10 साल वाला तो काम कुछ झगड़ों का के करते थे हाँ। लेकिन 5 साल वाला जो अभी अरे झगड़ा किस लिए प्यार प्यार से बात प्यार कैसे होगा काम अपना दीजिएगा तब से प्यार कैसे इधर घूमिए हाँ काम नहीं, आप नहीं अरे तो उनको अधिकार बताइएगा ना कि आपका क्या कर्तव्य है अपने समाज के प्रति नीचे के तहत उनको सारा अधिकार भूखे मिला हुआ है हाँ, अधिकार नहीं कर्तव्य अधिकार अलग बात वो अधिकार समझ बैठे कर्तव्य हाँ। ही तो होता है तो कुछ कर्तव्य का पालन नहीं किए देखिए अभी जनता लोग हम वोट मांगने जाते हैं ना सारे महिलाएं लोग कहती हैं कि हम बकरी पोस रहे हैं तो हमारे बकरी को रहने के लिए घर नहीं है हमको रहने के लिए बाथरूम नहीं शौच करने के लिए बाथरूम नहीं है बाथरूम के लिए इतना सारा बात हो गया अभी भी बाथरूम अपने अपने पैसा से बनाया किसी को पैसा नहीं मिला क्या बोले हैं ब्याज पर पैसा लेकर नहीं नहीं क्या बोले हैं कि बाद में पैसा देंगे अभी बात महिला लोग से पूछिएगा हम नहीं बता पाएंगे ए देखिए आप लोगों को मिली भक्ति नहीं ना लगता सरपंच साहिबा और मुखिया जी से क्या लग रहा है चाची मेल जोल है इनको इन्हें रहवे ना तब ना फटवा नहीं मनत चाची इन्हें ऐसे हाँ आम ना नहीं मनाता अच्छा ये जी कही हथीन की हमारा मेल जोल नहीं मुखिया जी से
इसा मुखिया जी के कारनामा है तो का बुझा है इनका मेलजोल है कि ना ना इनको ना ही मेल ना एकदम झगड़े तो क्या लगता है मुखिया जी सच में काम नहीं किए हैं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं किए हैं आप लोगों के भी दरवाजे पर गली नली सब नहीं बना है कुछ नहीं बना है तो कल नहीं है पानी का अकाल हो गया था प्यासे हम लोग रहते थे पाँच दिन हे भगवान पाँच दिन प्यासे रहते थे गंदा हो गया था बहुत अकाल हो गया था पाँच पाँच दिन नहाया घर में भी अरे बाप रे राजस्थान में तो हम नहीं चले आए तो आप लोग आए नहीं इधर देखे नहीं तब क्या जानिएगा तो हम लोग को बुलाइएगा आने के लिए तब ना आएंगे हम लोग तो हम लोग का पता ठेकान दे दीजिए फोन करेंगे अच्छा ठीक है दिक्कत होगा तो अब कुछ दिक्कत होगा तो बुला लीजिएगा बाप रे तब तो हो गया तब हो गया आपका चलिए इधर आइए आइए नाम बताइए इसी मोहल्ला में घर है आपका क्या कहना है मुखिया जी के बारे में इधर घूमिए ना क्या बोले इधर घूमिए सबको बताइए दिए क्या होता है आपको क्या लगता है मुखिया जी बढ़िया काम किए हैं मुखिया जी से हमको कोई फायदा नहीं है आपको नहीं फायदा है कि पूरे समाज को पूरा समाज का फायदा नहीं है हमको उससे एक रुपया का लाभ नहीं जो भी है क्या नाम है सन्नी कुमार सन्नी जी कहाँ घर है आपका बगल में ही है इसी गांव में जी पढ़ाई लिखाई करते हैं पढ़ाई लिखाई तो करते हैं अभी खेती बाड़ी करते हैं और अच्छा मतलब खेती बाड़ी भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं मैम हम लोग खेती करते हैं कमाते हैं तब जाके पढ़ाई करते हैं ऐसा माने हम लोग खेती पर निर्भर है एक तरह से किसान है अच्छा अच्छा हाँ मैंने गरीब परिवार से बिलोंग करते अच्छा तो खेती से भी तो फायदा होता है खेती से फायदा क्या होता है आज का किसान का हालत देख सकते हैं माने किसान परिवार से कि मजदूर परिवार से ये माने किसान परिवार से थोड़ा मोड़ा खेत है तो किसान का हालत देख सकते हैं माने समय पर वर्षा नहीं होता है माने हर तरह से किसी तरह से सरकार का सहयोग बोरिंग वोरिंग कराया है ना जी बोरिंग वोरिंग तो है वो सब तो है सरकार का सहयोग क्या रहेगा अब मान लीजिए आगे से फंड चला यहाँ पे आते आते एकदम छोटा सा हो जाता है तो सरकार क्या कर देगा माने ऊपर से फंड आता है और नीचे आते आते पूरा कम ही जाता है तो सरकार क्या करेगा उसमें फंड तो सरकार दे ही रही है मगर हमारे पास पहुँचेगा तब ना वो तो रास्ते में ही खत्म हो जाता है बताइए क्या हाल है देश राज का कि ऊपर से तो बहुत सारी योजनाएं आती है बहुत सारा फंड आता है आते आते पूरा खत्म हो जाता है और मुखिया जी का क्या रहेगा वोट का समय आता है तो बउआ कैसे ना बस अजब अभी मैंने इलेक्शन का है बउआ ध्यान दे भाई अच्छा ये रास्ता खरीद के दी हथुन की ना मुखिया जी ना मैंने आपको हम बताते हैं जब इलेक्शन का टाइम हो गया जीत गए तो यहाँ तक कि पूछने भी नहीं आएंगे से कैसा है बुआ रे तू तो वोट दिलाऊ रे तू कैसन होते मगर उसके बाद जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो कहेंगे बुआ ध्यान दो बाबू हाँ ध्यान तो पांच साल से दे लिया हुआ अब कति ध्यान दियो ए बेरिया की करे के है ए बेरिया की करे के ए बेरिया तो वे माने जीतवा तो ठीक है या ना जीतवा तो चले बोले कि ये तो काम हो जाएगा उसके बाद पूरा पैसा मिलेगा 40,000 आया है इतना भ्रष्टाचार 20,000 में क्या कर सकते हैं बोले कि आप पूरा दीवाल जब खड़ा कर लीजिएगा तब पैसा मिलेगा तो हम 20,000 में कैसे दीवाल खड़ा कर लेंगे हमें कौन है सहायता देने वाला जो हम कर लेंगे हम लोग का तो रहने का घर नहीं है पानी उनी की सुविधा नहीं है हम लोग का कुछ नहीं लगा नहीं है बाप रे इतना इतना भ्रष्टाचार है भगवान है भगवान क्या हम बोले रोटी भी नहीं है हम चार चार बच्चे लेके हम उपास पढ़ते हैं छोटा मोटा एक चुप अरे हम तो घूम ही रहे हैं देख ही रहे हैं कि हम 15 दिन से गांव गांव घूम ही रहे हैं तो देखना चाहिए नेताजी सबको ना कि क्या हाल है गांव का देखना चाहिए नेताजी सबको ना हम तो अपना किसी को बोलना मत ये घूस वाला बात बोलना की देखना अभी पूरा दुनिया देखेगी बोल दीजिएगा नाम बताइए अपना उपेंद्र बैठा जी क्या मुखिया जी से आपको घर वर मिला है पहला 45,000 वाला मिला था तो हर बार थोड़ी मिलता है इस मुखिया जी से नहीं ना मिला है अब मिलना भी नहीं चाहिए ना बाद में 6,000 रुपया मिला है बाथरूम के लिए शौचालय के लिए मिला हुआ है कितना 12,000 ओ तो पूरा मिल गया उसमें और नली गली बन गया है ना नाली गली नहीं बना नाली गली नहीं वाला है बना है नहीं तो क्या लगता है मुखिया जी अच्छे हैं बहुत अच्छे हम क्या बता दें तो कौन हम थोड़ी बताएंगे हम थोड़ी हैं इस गांव के जो हम बता दें जिसके लिए कुछ किए होंगे उसके नजर में अच्छा ही होंगे जिसके लिए नहीं किए होंगे उसके नजर में तो बुरा ही होगा इधर आओ भैया इधर आओ
लगता है पेंटिंग उन्टिंग का काम करते हो नहीं? इसी गांव में घर है तुम्हारा? नहीं, मेरा प्रताप रन पटेल चौक है। अच्छा, पंचायत कौन सा है? पंचायत पश्चिमी है। अच्छा अच्छा, तो क्या है मुखिया जी का हाल चाल? मुखिया जी का क्या, कुछ कार्यवाही नहीं रहे तो क्या हम लोग वोट दे देंगे क्या? नहीं नहीं, एकदम एकदम दुखी हो मुखिया जी के काम का? पूरा दुखी है। 27/1 को राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दिए थे, वो अभी तक नहीं बना है। उसका भी ग्रीवेंस सेल में हम अप टू डेट में कर दिए हैं वहाँ पर, फिर भी कोई सुनवाई होता नहीं है इसका। हम ग्रीवेंस सेल में मैंने शिकायत कंप्लेंट कर दिए हैं उसके बारे में। तो वहाँ क्या बोला गया आपको? वहाँ जस्ट अपडेट हम निकाल लेते हैं प्रिंट आउट करके, कोनो काम नहीं होता। राशन कार्ड बनाने के लिए हम लॉकडाउन में दिए थे, जीविका दीदी से मिले, हाँ बनेगा आपका, लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं बना, उनका पास ही रह गया लिस्ट अभी तक। देख रहा है कितना उझराया हुआ है। प्रतिनिधि मिलने का बात है, हमको अभी तक नहीं मिला है। हम भी ग्रीवेंस सेल में हम कंप्लेन कर चुके हैं इसके बारे में, और ब्लॉक पर दिए थे आवेदन। यहाँ लिखा हुआ है कि सेवा प्रदान करने की तिथि 3/3, उसका मैडम डेट फेल हो गया, उसका भी ग्रीवेंस सेल में हम रिपोर्ट कर दिए हैं। जीविका दीदी के पास जाइए फिर से। काम खत्म है, रिपोर्ट हम कर दिए हैं, प्लस ब्लॉक पर गए हैं, उसका भी प्रूफ है, ये भी हम प्रूफ पीडीएफ फाइल कर दिए वहाँ पर हम। ठीक है, अभी काम ना हुआ अभी तक। ठीक है, यहाँ पर बोल दिए ना, जिनको लगेगा वो करेंगे, नहीं तो अपना जो है, हाँ आप आगे का कार्रवाई कीजिए। ठीक है, देख रहा हूँ भाई कितना झोल झाल है जी, पूरा जनतंत्र तो इससे उझराएल है की लागे कहाँ से विधाता हथिन, जनतंत्र से उझराएल, जनतंत्र से लोग के उबार थी। तो लेते हम एक छोटा सा ब्रेक, सोचिए आप लोग बड़ा व्यवस्था खराब है। बहुत बहुत स्वागत है। तो हम उहे पर है, मतलब उहे गांव, कौन गांव? जारंग पंचायत के रामपुर गांव में। तो यहाँ आ गए हैं दलित टोला में, यहाँ देखेंगे कि मुखिया जी सच में यहाँ काम वाम किए हैं। उधर तो देखबे किए कि एको वो सही काम नहीं किए थे मुखिया जी, जहाँ उधर की जनता यही बात बताई। अब इधर की जनता से जानेंगे कि काम वाम किए हैं कि नहीं। आइए तो मुखिया जी का हिसाब किताब ठीक से जरा दीजिए, था क्या लगता है मुखिया जी बढ़िया काम वाम किए हैं? मुखिया जी एक तो गौशाला दिए हैं, सीधा गौशाला दे के सो गए। हाँ, तो गली तो हम देख रहे हैं कि बना ही नहीं है। मेरे दूरा पर जाने आने का रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं। किसी आपके यहाँ नहीं है, कहीं बनवाए हैं और वार्ड में बनवाए हैं? जो बना हुआ था उसको रिपेयरिंग किए हैं, लेकिन नया नहीं बनवाए हैं। और जल नल योजना जो नली गली वाला है तो अभी अधूरा हो गया, चालू नहीं हुआ। टंकी उनकी लगाए हैं? वो सब लग गया लेकिन पानी नहीं चलता। चलिए मुखिया जी, तो उम्मीद लगता है कि मुखिया जी अगले चुनाव में जीतेंगे। अब वो हम कैसे बताएं? नहीं, चलिए है, नाम बताइए अपना। राम जी राम नाम। इसी टोला मोहल्ला में घर है? बगले में। अच्छा, तो आपको क्या मिला, गौशाला मिला है कि बकरी शाला कि आदमी शाला? हमको कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? दूर महाराज, कहा नहीं मिला है? नहीं, वो वैसा गौशाला नहीं चाहिए जो आज बन जाए और कल रह जाए। ओहो, तो यह बात है, नाम के लिए मिलता है ना। एक के भाग है जो उसका कोई पता नहीं है, हाथ मारिएगा तो पूरा झड़ जाएगा नीचे। अब बताइए क्या होगा इस देश का, बाप रे बाप, देख रहा है ना कि क्या होगा, भविष्य दिख रहा है। अच्छा ची बताओ, वृद्धा पेंशन मिला हो तो? नहीं मिला हम लोग का। नहीं मिला है। 400 रुपया ना मिले हो? धिया पुता हो? बाल बच्चे? दूगो है। बेटा है? अच्छा अच्छा। राशन पानी मिल, मतलब राशन मिले हो? राशन कार्ड हो? हाँ हाँ। अच्छा, घरवा हो कि ना तोरा? हाँ, यू है टूटल घर। अच्छा, मुखिया जी से ना मिल रहा? ना। आ नलिया लगल की ना, नलिया पानी वाला? हाँ हाँ, लागल लागल। हाँ। किसी के घर में नहीं लगा, इनके घर में कैसे लग गया? माताजी पुतला आया था तू? आइए चाची, तनी आगे आगे नाम बता दी। प्रेमशीला देवी। अच्छा, कहाँ? ये टोला मोहल्ला में घर है? ये टोला। अच्छा, तो क्या लगता है मुखिया जी बढ़िया काम किए हैं? ना बढ़िया काम ना कल एकदम ना है तनिको ना गौशाला तो दिए, गौशाला तो दिले हथिन एगो। तो का बुझा मुखिया जी, एहू बेर आइए जीतथिन का? चाचा नाम बताइए अपन। मेरा नाम लखिंदर सिंह है। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या लगता है मुखिया जी बढ़िया काम किए हैं? देखिए मैडम जी, ना तो हमको पैखाना घर मिला, हाँ, ना इंदिरा आवास मिला, ये सब कुछ नहीं मिला। तो मिला क्या? कुछ नहीं मिला। 5 साल में कोई पूछने नहीं आता है जो क्या हुआ। अभी जो नल जल जबरा काम जो हुआ है, सवेरे पर पानी आता है ना, तो जाएगा पानी टूटी में और चल जाता है खेत में पानी। ए भैया रुको रुको, इधर आओ। का है गांव के आदमी ना होता तू? हाँ? नाम बतावा। सोनू कुमार। अच्छा,
अच्छा सुनो, गाना भी गाते हो? उधर से आवाज आ रही है कि आप गाना भी गाते हो। अरे वाह, क्या बात है, तब तो हम गाना सुन के ही जाएंगे। चलो चलो चलो, भाभी जी आई है, गाना नहीं सुनेंगी? सगड़ो धुआ धुआ उठल जिंदगी में हमारा ऐसे, सगड़ो धुआ धुआ उठल जिंदगी में हमारा ऐसे, जान बिन बेजान भैनी जी बोला कैसे, तू बता बना समझा बना। हाँ हाँ, क्या बात है, देखिए कितना अच्छा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, लगता है कितना दिल से गाया है, अपनी भाषा अपनी धरती की सुगंध। सब फिल्मी गाना वो भी गाओ, लेकिन अपने फोक को, अपना जो है लोकगीत है उसको एकदम पकड़ के रखो, समझे? ये तो बात हो गई। और ये बताइए कि गांव का विकास, आपको, आप एक युवा है, पढ़े लिखे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपका गांव का स्तर कैसा होना चाहिए, मतलब मुखिया जी क्या विकास किए हैं? देखिए मुखिया जी तो यहाँ पर कुछ विशेष विकास नहीं किए हैं, हालांकि अभी जो जल नल की योजना चल रही है वो अधूरा काम चल रहा है। अच्छा। नल जल की काम तो हो चुकी है बट पानी नहीं आ रही है। आपको तो पता होगा सरकार की जो 7 निश्चय योजना है उसमें बहुत सारे चीज है जो लोगों को मिलना चाहिए, आपको क्या लग रहा है, कुछ किए हैं मुखिया जी? ऐसा कुछ नहीं किए हैं मुखिया जी, अभी फिलहाल उनका 5 यानी 20 साल होने वाला है, लेकिन इसके बीच कुछ भी विशेष काम नहीं किए हैं मेरे नजर के। 20 साल होने वाला जी, जी वो 20 साल होने वाले, 4 साल से वो यहाँ पर राज कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं किए हैं। मेरा आज से, और वो प्रमुख भी रह चुके हैं और मुखिया भी दो बार मुखिया रह चुके हैं और इस बार चौथा बार खड़ा होने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार लग रहा है कि वो नहीं रह पाएंगे क्योंकि ऐसा काम ही नहीं किए जो रहेंगे। इस पंचायत की मुखियाइन जी है, अक्सर होता है कि किसी भी पंचायत में देखबे किए होंगे कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ मुखिया होती है महिला मुखिया, वो मतलब गाय भी रहती है, दर्शन पता नहीं क्यों नहीं देती है, क्यों ऐसे भागती है, लेकिन यहाँ की जो अभी मुखियाइन है वो सामने खड़ी है, तो इसे जानते हैं कि क्या जनता झूठ बोल रही थी कि सच बोल रही थी, 5 साल इनको मिला क्या काम किए जानते हैं। मैडम नाम बताइए अपना पहले। मैं सुनील सिन्हा। अच्छा अच्छा, मुखिया संघ अध्यक्ष भी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिला के उपाध्यक्ष भी मुखिया संघ की। हाँ, कितने साल से आप मुखिया हैं ये बताइए आप? 5 साल से हूँ, हमारे पति 2001 में मुखिया थे। अच्छा। दो टर्म प्रमुख रह चुके हैं। अच्छा, एक खानदानी पैसा हो गया क्या? नहीं, जनता हमें चुन के रखी हुई है, खानदानी पैसा। अच्छा, नहीं है। अच्छा अच्छा, सौभाग्य की बात है कि हमें जनता बार बार चुनती है। हाँ। आशा करती हूँ कि अगले बार भी आऊंगी। अच्छा। अगर आपकी कहीं खामियां लगी होगी तो वहाँ लोग वैसे लोग जुट जाते हैं जो खामियां ज्यादा बताते हैं, अच्छाई कम बताते हैं। देखिए हमको खामियां लगने से नहीं होगा, मेन तो भुक्तभोगी यहाँ की जनता है, जनता जो बताई सो हम लोग कैप्चर किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ। आपको पूरे पंचायत में रूबरू देखिए, घूमिए और इस चीज को अपने से परख कीजिए। हाँ। हमारे मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना हाँ। महत्वाकांक्षी योजना है, ये योजना पटल पर है, ऐसी बात नहीं है। लॉकडाउन आ गया। अच्छा मैडम, किधर पटल पर ही बताइए, हम इतना घूमे हमको पटल पर तो दिखाया ही नहीं, दिखाई नहीं। मान लीजिए जिस वार्ड में आप गए हैं, 4 या 5 में गए हैं, उसमें परिस्थिति कुछ वार्ड से ज्यादा ग्रसित हुआ वार्ड थी। और दूसरी बात रही है कि 5 में समरसेबुल चोरी हो गई थी। हाँ। तो वार्ड थोड़ा वृद्ध हो जाने के कारण आखिर उन्हीं को सारा जिम्मेवारी हमारे। अच्छा, मुख्यमंत्री वार्ड वृद्ध हो जाने के कारण मतलब वार्ड मेंबर डरते हैं अपने। हाँ, बिल्कुल, वो अपने से डरते हैं, अपने से लड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसे वहाँ के उपद्रवी लोग हैं। क्या योगदान है ये बताइए? अरे मैंने वहाँ FIR करवाया, सब कार्य करवाया, पुनः उस कार्य को चालू करवाया, पानी चल रही है। कुछ ऐसे जगह है जो अपने जमीन से नहीं जाने देना चाहते हैं, वहाँ पानी तुरती अच्छा, है। जनता के लगवाई भी कहाँ कर रही है जी, जनता के पास मुख्यमंत्री जी के जब से योजना है आता ही किधर है, ऊपर से ऊपर चला जाता है। योजना तो मुख्यमंत्री जी का ही है ना? है ना, लेकिन नहीं है ना मैडम, लेकिन कितना आया है? आया है, बिल्कुल आया है मैडम। तो अपना के मन जाने तो चलिए, हो गया समय हमारा जाने का, समझे कि नहीं? तो दीजिए रेखा सिंह को इजाजत, अब समय ना हो गया जी, प्रणाम। चलिए।